हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3D कैमरा। फ्रेंड्स, आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट थे कि मैग्नेट्स मीडिया जैसे 3D कैमरा हम लोग कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह जो है इंपोर्ट कर लिए, कुछ PNG कटआउट इंपोर्ट कर लिए हैं, तो उन सभी को जो है मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा, टाइमलाइन पे इंपोर्ट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट कर लेते हैं टाइमलाइन पे। तो ये एक टाइगर का PNG कटआउट है और यहाँ पे जो है एक स्टैचू टाइप से यहाँ पे देखने मिलेगा और साथ ही साथ में यहाँ पे एक हॉर्स का PNG कटआउट है। तो इन सभी को जो है हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले काम जो हमें करना है कि इन सभी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट करना है। तो 3D में आप ये आइकन देख रहे होंगे, यदि ये नहीं दिखाई दे रहा तो आप F4 प्रेस करिएगा अपने कीबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पे जो है ये आइकन दिखाई देने लग जाएंगे। तो इन सभी को जो है 3D में कन्वर्ट करना है। देन हमें राइट माउस क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और एक कैमरे पे आना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे प्रीसेट वगैरह दिखाई देंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल हम जो है 20mm जो है कैमरा जो यहाँ पे चूज कर ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम चेक कर देंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है हमारा जो कैमरा है यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका, तो अब इसकी सेटिंग्स वगैरह हम यहाँ पे आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन सभी इमेजेस को हम यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के लिए हमको क्या करना है कि सिंपल हम सबसे पहले इन सभी को जो है मूव कर लेंगे और ये पूरे 3D लेयर हो चुके हैं हमारे। आप देखेंगे यहाँ पे एंकर पॉइंट है जो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे 3D वाला एंकर पॉइंट आपको दिखाई देगा। तब आप देखेंगे तीन यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे एक्सेस दिखाई दे, जैसे कि वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस हो गया और यहाँ पे एक्स एक्सेस हो गया। तो पूरी जो लेयर है पूरी 3D हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी को जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इन सभी लेयर्स को जो है एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो हमें आगे पीछे रखना है सारी लेयर्स को। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि किस टाइप से हम जो यहाँ पे कैमरा फोकस वगैरह करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। मैं पूरे बेसिक आपको बता दूंगा किस तरीके से जो आप जो कैमरा यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कैसे आप फोकस में ला सकते हैं, कैसे आपको कैमरा मूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और बाकी एकदम तो एडवांस के लिए हम और किसी वीडियो में देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि यदि आप यहाँ पे देखेंगे व्यू में आपको 2 व्यू 1 व्यू 4 व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अभी के लिए हम 2 व्यू यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देखिए 2 व्यू में आपको इस टाइप से यहाँ पे व्यूज जो है दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमें अलग अलग टाइप से व्यू देखने मिल जाते हैं, जैसे कि हम यदि 2 व्यू यहाँ पे किए हैं तो हमको यहाँ पे केवल 2 व्यू दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे इसको हम 4 व्यू यदि करते हैं तो देखिए 4 व्यू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा टॉप भी है, फ्रंट भी है, राइट भी है और यहाँ पे एक्टिव कैमरा है। तो इस टाइप से जो है हम सारी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे किस व्यू को हमें जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से हम जो है यहाँ पे सेट करेंगे व्यू को। और यहाँ इसमें आपको क्लासिक 3D कैमरा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिनेमा 4D का ऑप्शन भी आता है। यदि आप सिनेमा 4D यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए, आपका थोड़ा सा सिस्टम लैग करने लग जाएगा यदि आप सिनेमा 4D यूज़ करेंगे, यदि आपका स्पेसिफिकेशन लो है तो इसलिए क्लासिक 3D ही यूज़ करें आप, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंड फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आपको इस टाइप से यहाँ पे पूरा ओवरऑल व्यू देखने मिलेगा। तो अब हमको क्या करना है कि एडजस्टमेंट करना है कि किस तरीके से जो है हम इसको कैमरा को सेट करेंगे और इसको एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो इसका कैमरा मूवमेंट है और इसकी जो जितनी भी इमेजेस हमने इंपोर्ट की उनकी जो पोजीशन वगैरह वो सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिफॉल्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे कस्टम व्यू जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको जैसे चूज करेंगे कि यहाँ पे देखिए साइड एंगल यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, तो कस्टम व्यू 2 में जाएंगे तो आप यहाँ पे आपको देखो फ्रंट में दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 में देखेंगे तो साइड एंगल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट वाला ऑप्शन जो है चूज कर लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है लेफ्ट ऑप्शन हमने चूज किया, इसको जूम आउट कर रहे हैं तो हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो है इमेजेस हमारी यहाँ पे देखने मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हम सॉलिड ऐड कर लेंगे बैकग्राउंड के लिए। तो हमने यहाँ पे एक सॉलिड ऐड कर ली है। अब इसका जो कलर वगैरह वो हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क हमने कलर रख लिया है, इसको हम ओके कर देते हैं और सॉलिड को ले जाएंगे हम सबसे नीचे। तो ये देखिए सबसे नीचे हम ले गए सॉलिड को, तो ये ओवरऑल हमारा जो है यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम ग्रेडियंट वगैरह डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया रैम्प, तो ये देखिए हमने ग्रेडियंट डाल दिया यहाँ पे, इसको हमने लीनियर कर दिया है और यहाँ पे कलर स्वैप कर देंगे और हमने इसको इस टाइप से जो है थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे जो कैमरा है यहाँ पे इस टाइप से हमने इसको एडजस्ट कर दिया, तो हमारा जो मेन व्यू है हमारा इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है सीन का। और यदि हम यहाँ पे कोई लेयर चूज़ करते हैं, तो जैसे कि हमारी ये लेयर स्टैचू वाली, तो इसको हम बैक में ले जा रहे हैं, तो ये देखिए मैं इसको यहाँ से पीछे जेड एक्सिस जो है इसको पीछे ले जा रहा हूँ, तो जितना पीछे ले जाऊँगा तो उतना ही यहाँ पे दूर जा रही है व्यू में। तो देखिए मैं यहाँ पे पीछे लेकर जा रहा हूँ इसको, तो ये देखिए यहाँ पे मैं जितना पीछे लेकर के जाऊँगा तो वो पूरा यहाँ पे पीछे यहाँ पे जाते जा रही है। और साथ में यहाँ पे आप देखिए ये कैमरा हो गया हमारा और ये वाली जो लेयर है यानी कि ये स्टैचू वाली लेयर जो इतनी दूर यहाँ पे आ चुके, तो इस तरीके से जो मैंने इसको दूर कर दिया। अब सेम इसी तरीके से हम करेंगे कि ये जो हमारी है ये यहाँ पे शेर वाली जो लेयर है ये दिखाई दे रही है, तो इसको भी मैं पीछे लेकर के जा रहा हूँ। ये देखिए मैं इतना पीछे लेकर के चला गया।
अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे जो है जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी जो भी प्रोडक्ट हैं आपके, तो वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारी जो फ्रंट ये वाली इमेज है, ये यहाँ पे आपको देखने मिल रही है, तो ये वाली इमेज आपको यहाँ पे देखने मिल रही है। तो अब देखिए इस तरीके से जो आपको सारी चीज़ें सेट कर लेनी है कि आपको कौन सी इमेज कहाँ पर रहेगी, इस तरीके से आपको जो सेट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इमेज सेट होने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका कैमरा है, अब इसमें जो है एनिमेशन वगैरह आपको करना है सारी चीज़ें। तो अभी हम जो है डिफॉल्ट जो है कैमरा को यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कैमरे को जो है यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए मैं कैमरा को पास में लेकर के जाऊँगा तो इस टाइप के देखिए हमको जो व्यू देखने मिल गया पूरा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है इसको, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से जो आप कैमरा मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा एनिमेशन देखने मिलेगा। बट यहाँ पे अभी फोकल लेंथ वगैरह और यहाँ पे फोकस ब्लर वगैरह ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इस सभी का भी हम सेटिंग करेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, तो प्रॉपर इन सभी इमेजेस को जो है अभी हम अरेंज कर लेते हैं, देन इसके बाद में हम फोकल लेंथ वगैरह वो एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमको, इस वाली इमेज को अभी क्या करेंगे हम, जैसे कि जो ये इमेज है इसको अभी हम और पीछे लेकर के जाएंगे ताकि और प्रॉपर एडजस्टमेंट यहाँ पे हो जाए। तो ये देखिए अभी हमने इसको यहाँ पे लेकर के आए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली इमेज को अभी थोड़ा सा हम ऊपर लेकर के आएंगे, और अभी हमने यहाँ पे इसको लेकर के आए और इसको प्रॉपर सेट करेंगे पहले सीन में, देन इसके बाद में हम यहाँ पे सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैमरा है, तो ये देखिए कैमरा हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, तो अब ये इसके बाद में हम जो है इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस इमेज को थोड़ा सा और जूम आउट करना चाहिए हमको, तो यहाँ पे इसको हम अभी थोड़ा सा और पीछे ले जाएंगे ताकि ये प्रॉपर फोकस में आ जाए हमारी। और इसके बाद में हम देखें यहाँ पे जाएंगे कैमरा में, फिर से मूवमेंट करेंगे, तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर शेर दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज को थोड़ा सा और आगे हम ले करके आ जाते हैं, जैसे कि ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको आगे ले करके आ गए, ये इसको हमने थोड़ा सा और आगे ले लिया इस इमेज को। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा सीन कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, और इस शेर को जो है हम थोड़ा सा नीचे ले करके जाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि हमारा जो है कैमरे में उतने ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा ये। तो अब देखिए ये यहाँ पे हमारे जो इमेजेस है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट हो गए। इस इमेज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पे ताकि हमारा जो है सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे प्रॉपर। तो अब देखिए हमारा जो कैमरा मतलब ये इमेजेस का जो सेटलमेंट था वो हमने पूरा प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक के बाद एक जो हमारी प्रॉपर जो है फोकस में आएंगे। तो हमको क्या करना है कि इस टाइप से जो है एनिमेशन अब करेंगे हम, कि हमारा पहले फोकस इसमें रहेगा, फिर इसके बाद में इसमें शिफ्ट होगा, देन उसके बाद में उसमें शिफ्ट होगा। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे हम सेटिंग में आएंगे कैमरा के, यहाँ पे देखिए कैमरा ऑप्शंस में आएंगे और यहाँ पे जूम और डेप्थ और फील्ड ये सब ऑन यहाँ पे हम करेंगे, जो फोकस डिस्टेंस जितनी है। तो फ्रेंड्स, कैमरा का जो है एनिमेशन हम करेंगे, तो कैमरा का एनिमेशन करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन पे हम प्रेस करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन जो है हमारी यहाँ पे रहेगी कैमरा की। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे की लगा दी फर्स्ट पोजीशन, फिर हम इसके बाद में यहाँ पे आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 सेकंड पे हम आते हैं, तो और यहाँ पे हमको क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना है। तो इसकी जो पोजीशन है हमारी रहेगी लास्ट पोजीशन जो रहेगी हमारी, तो इसको हम कर देते हैं ये देखिए लास्ट पोजीशन हमारी ये रहेगी। तो यहाँ तक हमने जो इसको एनिमेट कर दिया, तो अब देखिए कैमरा का एनिमेशन तो हमारा हो गया। तो ये फ्रेंड्स कैमरा का एनिमेशन हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब हमको फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड जो है ये सब लेकर के आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि देखिए वही चीज़ है, कैमरा के सेटिंग में जाएंगे हम, और सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पे हम देखेंगे तो अपर्चर जो है हमको यहाँ पे फोकस डिस्टेंस जो है ये देखने मिल रही है। तो हम फोकस डिस्टेंस को यदि हम देखें यहाँ पे छेड़ते हैं तो हमारा फोकस डिस्टेंस देखिए ये जो ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए इस पार्ट को यहाँ पे हम यदि घटा बढ़ा रहे हैं तो देखिए कितना दूर जा रहा है, कितना पास आ रहा है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, इस पार्ट को जो है हमने यहाँ पे रख दिया कि फोकस डिस्टेंस जो है हमारा इस फर्स्ट वाली इमेज तक रहेगा, और अपर्चर को हम जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो देखिए जैसे मैं अपर्चर बढ़ा रहा हूँ तो देखिए पीछे वाली चीज़ें जो है ब्लर हो गई हैं और ये फोकस में आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ाएंगे, अपर्चर को बढ़ाएंगे और फोकस डिस्टेंस को अभी हम जो है और कम करना है, ताकि जो है यहाँ पे ये वाली चीज़ भी अभी ब्लर पे रहे बट जैसे पास में जाएंगे तो वैसे फोकस में आ जाए। तो अभी देखिए फोकस डिस्टेंस को जो है मैं कम कर रहा हूँ, तो जैसे फोकस डिस्टेंस कम होगी तो ये चीज़ भी हमारी ब्लर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अपर्चर जो है हम और बढ़ाएंगे तो ये चीज़ जो हमारी ब्लर हो जाएगी। तो देखिए अभी भी ये ब्लर है, उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है यदि आप देखेंगे तो, ये देखिए अभी भी ये चीज़ जो है आपको ब्लर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे एनिमेशन जैसे ये पास में आएगा, जैसे ये देखिए ये पास में आ रहा है, ये देखिए अभी यहाँ पे फोकस में आ रही है, और यहाँ पे फिर इसके बाद जैसे मूव कर रहा है तो ये देखिए शेर हमारा जो है फोकस में आ गया, प्रॉपर तरीके से फोकस में आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर जा रहा है, फिर ये फोकस में आ रहा है, फिर इसके बाद में ये जो है यहाँ से ब्लर जा रहा है, और फिर ये फाइनली यहाँ पे हमारा जो है इमेज ये फोकस में आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है कि कैमरा जैसे अभी हम मूव कर रहे हैं तो ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे आया फर्स्ट इमेज में, तो ये यहाँ पे फोकस में है, देन इसके बाद में आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये शेर के जैसे पास आ रहा है तो ये फोकस में आ गया है, और बाकी सारी चीज़ें हमें ब्लर दिखाई दे रही है, यहाँ की फ्रंट वाली भी ब्लर दिखाई दे रही है इमेज, और लास्ट वाली भी ब्लर दिखाई दे रही है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं
हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम फाइनल इमेज के पास में आते हैं, तो ये हमारी इमेज जो है मेन फोकस में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से जो है आप यहाँ पे कैमरा को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट वगैरह जो भी आपके इमेजेस वगैरह उनको प्रॉपर कटआउट वगैरह जो पीएनजी सेट करके, और इस टाइप से जो है कैमरा मूवमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये बेसिक था, और यदि आप लोगों को ये पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा एडवांस में मैं जो वीडियो लेकर के आऊँ, तो आप नीचे कमेंट में बताइए, तो मैं जल्द से जल्द जो है इसमें एक एडवांस वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ताकि यहाँ पे उसमें मैं और डिटेल से बताऊँगा कि किस तरीके से आप कैमरे को जो है ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपके पसंदीदा जो है सीन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर विजिट करें। तो मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।